मॉर्निंग, कैसे आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये देखिए सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारी सदर। यहाँ देखिए गाइस 50 के 25 रन, मतलब ये देखिए गाइस बिल्कुल अनोखी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। और अब छोले भटूरे खाएंगे। यहाँ पे भीड़ देखिए बहुत, बहुत ही जल्दी हमें सदर में मेट्रो दिखेगी। कैसे आप सब, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आया हूँ सदर बाजार और इस टाइम पे हूँ मैं हूँ सेंट स्टीफन की पार्किंग में। और आज आपको दिखाऊंगा सदर बाजार में क्या क्या मिल रहा है, और इंडिया की सबसे बड़ी थोक मार्केट है हमारी सदर बाजार। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको ले चलते हैं आज सदर बाजार की मार्केट में। पार्किंग से निकल चुके हैं और ये है सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। सेंट स्टीफन के हॉस्पिटल में हमने पार्किंग में बाइक लगाई है। तो गाइस जिसको भी आना है सदर बाजार, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, बस है, ओला है, ऊबर है, सब चलता है यहाँ पे, और तेजस और राफेल भी आते हैं यहाँ पे। ये देखिए सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। और अंदर जाने के लिए सदर बाजार के लिए आप ई रिक्शा ले सकते हैं, ऑटो भी ले सकते हैं, हम तो खैर पैदल जा रहे हैं यहाँ से। तो ये इस टाइप के छोटे ई रिक्शा यहाँ से आप सदर के लिए ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारी सदर। यहाँ पे ये देखिए ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है ये, और इधर है ये फूल है इधर लहसुन थोक में। ये देखो रानी लक्ष्मी बाई चौक की तरफ हो रही रानी लक्ष्मी बाई की मूर्ति, शायद दिख रही होगी, नहीं दिख रही, ये देखिए। और ये है चौक यहाँ का, महारानी अवंती बाई चौक है ये, वो लिखा हुआ है महारानी अवंती बाई चौक। ये देखिए कितना ज़्यादा रश है। और ये है महारानी अवंती बाई की मूर्ति, हमारा सदर बाजार। अब अंदर हम लोग इसके एंट्री करने वाले हैं, दिखाएंगे अंदर का भी वीडियो। और यहाँ पे हैं सारे ट्रांसपोर्ट्स, माल लोडिंग हो रहा है, इधर हैं सारी शॉप्स हैं, ट्रांसपोर्ट भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। अलग अलग तरह का आपको सामान मिल जाएगा सीधे थोक में। देखिए कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, और ट्रैफिक जाम तो खैर अब नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम का मतलब नॉर्मल बात है, यहाँ पे सामान लोडिंग हो रहा है, जा रहा है टेम्पो। और ये यहाँ पे अखाड़ा है, यहाँ पे बहुत पुराना अखाड़ा है, बहुत ही फेमस अखाड़ा है यहाँ का। और ये देखिए पे दिल्ली मेट्रो के बोर्ड लगे हुए हैं, पहली बार यहाँ पे दिल्ली मेट्रो के, तो मतलब कि यहाँ पे मेट्रो आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ का। वो देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक और क्राउड देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे मिल रहे हैं बच्चों के खिलौने, ये पूरी मार्केट जो है बच्चों के खिलौनों की मार्केट है। बहुत ही पुरानी मार्केट है ये। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, और ये बाजार यहाँ पे लगा हुआ है पूरा। ये है सदर बाजार गाइस। यहाँ पे जब भी आए तो प्लीज़ अपनी वॉलेट और अपने मोबाइल को हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ पे जेब कतरे बहुत घूमते रहते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है। ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है जो आपको चाहिए, ब्यूटिशियन का, मतलब एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए ये भी यहाँ पर फॉरनर यहाँ पर घूम रहे हैं, और जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा गाइज। यहाँ पे स्कैमर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्कैमर से भी सावधान रहना है। सॉक्स बाहर से कुछ और दिखेगी, अंदर ख़राब सॉक्स दे देते हैं आप, तो स्कैम से भी बच रहे हैं। विजिटिंग कार्ड जो यहाँ पे देते हैं उनसे भी बच के रहना है, आपको प्राइस बताएंगे बाहर कुछ और अंदर कुछ और प्राइस होगा, तो इन स्कैमर से भी आपको सावधान रहना है। ब्यूटी पार्लर की, यहाँ पर ब्यूटिशियन का सारा सामान मिलेगा आपको गाइज। यहाँ पे सावधान रहने को भी आपको स्कैम ना कर दे, वरना मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत सस्ते सामान मिलते हैं यहाँ पे, तभी एशिया इंडिया से लोग पूरे देश से यहाँ पे आते हैं सामान खरीदने के लिए। और क्रिसमस आने वाला है, तो वो पूरा डेकोरेशन का सामान आपको सदर बाज़ार में मिलेगा। मैं मैप की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यहाँ पर। ये कॉस्मेटिक, यहाँ पे सारा कॉस्मेटिक का सामान आपको मिल जाता है। ये देखिए हर तरीके का सामान आपको मिलेगा यहाँ पे, ज्वेलरी से लेके ब्यूटिशियन मेकअप का सारा सामान। ये देखिए क्या बेहतरीन डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे मिल रहा है।
ये ज्वेलरियाँ, क्या बढ़िया ज्वेलरी है गाइज। ये मत सोचिए पटरी पे सामान बिक रहा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे और अच्छा सामान पटरी पे भी मिल जाता है। यहाँ पे रुपये का मार्कर मिल रहा है, और ये देखिए ये बिक रहे हैं यहाँ पे शादी वाले एनवलप, जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में 25 मिल जाएंगे आपको। बहुत सामान यहाँ पे सस्ता मिल जाता है, इसलिए पब्लिक देखिए आती है, और कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, पैर रखने की भी जगह नहीं है। देखिए गाइस 50 के 25 एनवलप मिल रहे हैं यहाँ पे, और क्या ले गया गाइस, आपने कितने सस्ते एनवलप मिल रहे थे। अभी अगर ये किसी दुकान पे लेने जाओगे ना तो 5 रुपये का एक मिलेगा आपको, और यहाँ पे मुझे 50 के मिल गए हैं 25। ये देखिए गाइस बिल्कुल अनोखी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, हाथ वाली मशीन है ये, हाथ वाली मशीन दिखा रहा हूँ आपको मैं, और वो वहाँ पे देखिए सेंटा क्लॉस के कपड़े बच्चों के लिए मिल रही है, जैकेटें, इधर लॉक का सामान रखा हुआ है, ये पैरदान है, बिंदियाँ हैं, बच्चों के जूते, 100 रुपये के 4 पायदान। यही सदर में आने का ना यही फ़ायदा रहता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, इतने तो आपको डी मार्ट और बिग बाज़ार में भी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और अब छोले भटूरे खाएंगे, यहाँ पे भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर नहीं लग पा रहा है हमारा, बहुत देर से बोल रहा हूँ भैया से भटूरे खिला दो। फाइनली छोले भटूरे की प्लेट मिल गई है हमें, अब देखते हैं कहाँ खाएँ, भीड़ बहुत ज़्यादा, कहाँ खाएँ, खा लिए यहाँ पे अब हमने भटूरे, और एक ही भटूरे में कर दिया पेट उसने टन। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको सदर बाज़ार, और अब क्या क्या नया नया आने वाला है, वीडियो के बने रहना लास्ट तक, थोड़ा लंबा ज़रूर होगा गाइस, मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं पर उनमें चीज़ें होती हैं बहुत सारी देखने के लिए गाइस। अगर ब्लॉगिंग भी ना बहुत सोच समझ के करनी पड़ रही है, क्योंकि बंदर भी हैं, अभी जस्ट मैंने देखा कि वीडियो बना ही रहा था, मेरे सर के ऊपर ही बंदर था, और बंदरों से मोबाइल बचाना पड़ता है। तो चलिए अब दिखाते हैं और यहाँ की मार्केट, इस पूरी मार्केट में मैंने ऑब्जर्व एक चीज़ करी, पूरी मार्केट में ना लड़कियों के सामान इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा लेडीज़ों के सामान बिकते हैं यहाँ पे, मतलब आदमियों का तो कुछ है ही नहीं। ये देखिए लेडीज़ों के सामान, ये देखिए लेडीज़ों के सामान, ये देखिए लेडीज़ों के सामान, आदमी का बढ़िया है, एक कंघा और एक बोरो प्लस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखो लेडीज़ लेडीज़, पूरी मार्केट में लेडीज़ों के सामान के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब आदमियों का तो एक अच्छा भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ों का सामान मिल रहा है, और इन्हीं से इनकी पूरी मार्केट चल रही है। देख रहे हैं भाइयों, हमारे हम आदमियों के साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है, नेल पॉलिश, कर्ज, पर्स, कंघे, जूते, ये देखो यहाँ भी लेडीज़, हर चीज़ मतलब लेडीज़ों की मिलेगी, जेंट्स का तो भाई सब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और सही बताओ भाई, जेंट्स को ना कुछ चाहिए भी नहीं होता, हमारे लिए तो एक स्पोर्ट्स शूज़, एक जीन्स और एक टी शर्ट साल भर हम घसीट लेते हैं, और इन लेडीज़ों का देख लो भाई साहब, मेरे को लगता है ये पूरे सदर बाज़ार ना लेडीज़ ही चला रही हैं, अगर ये ना आए ना तो मैं कह रहा हूँ इनकी सदर की ना अर्थव्यवस्था ही ना चरमरा जाएगी, अगर ये लेडीज़ ना आए तो। सोचने वाली बात है भाई, कमेंट करके ना ज़रूर बताना, मतलब लेडीज़ के सामान, ये देखो लेडी फैशन बिंदी, लेडी फैशन बिंदी, अरे भाई साहब आदमियों का भी कुछ रख लो भाई साहब। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ों के सामान की भरमार है, बिंदी, पर्स, नेल पॉलिश, एक दिन धरती फटेगी और सबका हिसाब होगा, देखना सही बता रहा हूँ मैं, मतलब सदर में आता रहता हूँ पर इस बार ज़्यादा दुख हो रहा है कि आदमियों का कुछ है नहीं यहाँ पे।
जाली आदमियों की बेल्ट दिखी, बस वहीं तक सीमित था बेल्ट तक, फिर चुन्नी स्टार्ट हो गई। और अब यहाँ पे आ गई है बच्चों की मार्केट, यहाँ पे बच्चों के खिलौने खिलौने हैं, गर्ल्स और बच्चों की तो भरमार है। हम आदमियों के साथ तो ऐसे ही होता है भाई, वहाँ टेडी बेयर है जो लड़कियों का सबसे ज़्यादा पसंद है, और यहाँ बच्चों के खिलौने हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है, बीच में रह गए हम लोग। तो हमारे साथ ऐसे ही होता है, बस क्या कर सकते हैं, कमाओ कमा कमा के मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये देखिए खिलौने 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 खिलौने, है सेंटा क्लॉज क्रिसमस का सामान यहाँ पे मिलता हुआ। अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ 30,000 जहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई है, और अभी भी यहाँ पे फुल क्राउड है, खप्पा मार्केट पूरी चल रही है और खचा खच यहाँ पे क्रम। यहाँ पे कुछ जैकेट्स बिक रही है, चलो वो भी बच्चों की है, आदमियों की नहीं है। बहुत ही जल्दी हमें सदर में मेट्रो दिखेगी, और ये बोर्ड लग गए हैं DMRC के, दिल्ली मेट्रो के, तो बहुत ही जल्दी खुशखबरी आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाम सबसे ज़्यादा क्राउड यहीं पर ही रहता है। मुझे लगता है यहाँ पे कि इनको मल्टी लेवल पार्किंग बनानी चाहिए, जहाँ पे जो भी बंदा बाहर से आए तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और एक फ्लाईओवर यहाँ पे बनना चाहिए, अगर किसी को जाना है तो सीधे डायरेक्ट भी जा सके पहाड़गंज की तरफ। ये व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब हम जा रहे हैं अपने पार्किंग की तरफ, ये रहा पीछे मार्केट। तो आ चुके हैं महारानी अवंती बाई चौक की तरफ। गाइस ये जो रास्ता जाता है, ये रास्ता सीधे पहाड़गंज की तरफ भी जाता है, और ये रास्ता भी पहाड़गंज की तरफ जाता है। ये देखिए ये है स्टैचू महारानी अवंती बाई का, ये रास्ता जा रहा है बर्फ खाना, सेंट स्टीफन, 30,000 और ISBT कश्मीरी के। यहाँ की सारी ट्रैवलिंग एजेंसी, यहाँ से बसें भी जाती हैं, और आपको बिहार तक की यहाँ से बसें मिल जाएंगी, जैसलमेर, उदयपुर, काफ़ी जगह की यहाँ से आपको बसें मिल। ये देखिए ट्रांसपोर्ट पे भी जाता है माल इनका, और प्लस आपका सवारी भी जाती है। मैं सेंट स्टीफन की पार्किंग में अब ब्लॉक को करते हैं यहाँ पे समाप्त। तो गाइज़ कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। गाइज़ आपको मैं अपनी बाइक भी दिखाता हूँ, मेरे पास कौन सी बाइक है, हंसना मत गाइज, मैं आपको अपनी ब्लॉग है, मेरी बाइक स्टार स्पोर्ट्स, ठीक है। गाइज़ काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि बुलेट नहीं रखते हो तुम, अच्छी बाइक रखा करो, पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती। भाई मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये बाइक पानी पे भी चलती है, और मेरी बाइक का नंबर देखो आप, 786 मेरी बाइक का नंबर है, और ये बाइक 100 रुपये के पेट्रोल में ना पूरा दिल्ली घुमा देती है। और आप क्या लोगे, बुलेट लूँगा, बुलेट में बुलेट आपको 100 रुपये में ढंग से 10 किलोमीटर भी नहीं घुमाएगी, और मेरी बाइक 100 रुपये के पेट्रोल में घुमा देती है पूरी दिल्ली। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे लगा ये वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।